Hello students, so let us continue the topic of matter in our surroundings. Students, in this video we will learn about the different properties of different states of matter. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, let us discuss कि पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होता है, मैटर को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. In this video, I will tell you about the different properties of solid state, liquid state and gaseous state. So, as you know that matter exists in three states, first of all, we will start with the properties of solid. So, the first property of solid is, solids have definite shapes and they have fixed volume. Second, the space between the particles is minimum. As we know that matter is made up of different particles, उनके बीच कुछ intermolecular spacing भी होती है और ये intermolecular spaces जो हैं वो solid के case में सबसे minimum होता है. वो minimum क्यों होता है? Because the particles of solid state, they are held together with strong attraction forces. Okay? So the next property of solid is the force of attraction between the particles is maximum. तो बच्चों solid state में क्या होता है, इनके particles के बीच जो force of attraction होती है वो maximum होती है. However, in liquid state it is intermediate and in gaseous state it will be minimum. तो ये दो points बहुत important हैं. पहला, solid state में particles के बीच में spaces सबसे कम होते हैं और दूसरा, solid state में particles के बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होती है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड स्टेट. अब मिनिमम तो होगा ही ना, उसके पार्टिकल्स के बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग, बिकॉज ऑफ विच द पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर वेरी स्ट्रांगली एंड दैट इज वाई दे कैन नॉट मूव. द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम. Now next, they are least compressible, definitely, because they have a definite mass, definite volume and also strong forces of attraction between the particles. So because of these reasons, the solids are least compressible and also the rate of diffusion is least. Ab inke particles ke beech, kyunki forces jo act kar rahi hain wo maximum hai, to isiliye iske particles mein kinetic energy bhi minimum hogi. और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होने की वजह से इसमें डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग की जो क्वालिटी है वो सबसे मिनिमम होगी. ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. तो बच्चों होता क्या है, लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है, पर हम उसको जैसे भी कंटेनर में डालते हैं वो वैसे शेप का हो जाता है. सो इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड्स दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. सेकेंड, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट. सॉलिड के केस में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस मिनिमम था, लिक्विड के केस में इट इज इंटरमीडिएट. थर्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज ऑल्सो इंटरमीडिएट. So therefore the movement of particles is also intermediate. They are less compressible and the rate of diffusion is more than solid but less than gaseous. तो होता क्या है, liquid में जो है सब कुछ intermediate होता है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम. इसमें force of attraction भी intermediate होगा, particles के बीच की spacing भी intermediate होगी and therefore diffusion की capacity जो है वो भी लेस होगी एज कम्पेयर टू गैस एंड मोर होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. द लास्ट वी विल सी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. नाउ सी, गैसेस में क्या होता है, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, नाइदर दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. गैस के साथ क्या होता है बच्चों, कि उनका ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, हम लोग जैसे कंटेनर में उसको डालते हैं वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द स्पेस ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन गैसेस स्टेट इज मैक्सिमम. गैसेस स्टेट में क्या होता है, उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग मैक्सिमम होती है. स्पेसिंग मैक्सिमम है तो उनके बीच का
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैक्सिमम होगी. सो यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है. नेक्स्ट, दे आर मोस्ट कॉम्प्रेसिबल. गैसेस को हम लोग इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है. एंड लास्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड. इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे हाईएस्ट होता है. क्यों? अगेन द सेम रीजन, बिकॉज द पार्टिकल्स दे हैव लीस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. तो उनके बीच स्पेस इतनी ज्यादा है कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है. तो इस वजह से सारे पार्टिकल्स कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करके और मोशन करते रहते हैं. मोशन करेंगे तो डिफ्यूजन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. सो दिस वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. यू कैन सी इन द डायग्राम, एक बलून है. बलून के अंदर जो गैस है उसके पार्टिकल्स को यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे उसमें मोशन हो रही है. वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम फ्रॉम योर एनसीईआरटी. हियर यू कैन सी, तुम लोग डायग्रामेटिकली बना सकते हो इसको. देखो, गैस में जो है वो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा दिखाया गया है, लिक्विड में इंटरमीडिएट एंड सॉलिड में सबसे कम. ठीक है, तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट. This was all about the properties of three states of matter. The next we will learn in the next video. Till then, thank you.